अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप हमारे आसपास के लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन धन की प्राप्ति एवं विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था थी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान थी कृषि क्षेत्र एग्रीकल्चर सेक्टर अर्थव्यवस्था को समझने के लिए उसे तीन क्षेत्रों में बाँटा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को समझ सकते हैं देखा गया है कि अर्थव्यवस्था के विकास की प्रारंभिक अवस्था में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं कृषि क्षेत्र के उत्पादन और उस पर लगाए गए लगान के कारण राजाओं एवं सामंतों के पास स्थायी सेनाएं संभव हो पाई इसके साथ साथ कृषि क्षेत्र के उत्पादन पर निर्भर बाहर बसे जहां व्यापारी एवं दस्तकारों की संख्या अधिक थी लेन देन से बाजार फैला और कुछ लोग कृषि से हटकर उद्योग और सेवा के क्षेत्र में काम करने लगे इन परिवर्तनों के बावजूद समाज में कृषि क्षेत्र उत्पादन और रोजगार के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बना रहा औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों में विनिर्माण की नवीन प्रणाली का फैलाव हुआ कारखाने बनने लगे जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत से लोग अब कारखानों में काम करने लगे कारखानों द्वारा सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग उपभोग करने लगे इस तरह धीरे धीरे कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण बनने लगा विकसित देशों में हुए इन बदलावों की खास बात यह है कि उत्पादन एवं रोजगार दोनों में एक साथ बदलाव आए कृषि क्षेत्र में लोग कम हो गए और उद्योगों में काम करने लगे ऐतिहासिक दृष्टि से यह बदलाव रोजगार और उत्पादन में साथ साथ होता आया है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स भारत एक विकासशील देश है जहाँ की आधी से अधिक आबादी आज भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है स्वतंत्रता के समय देश में बहत्तर प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे थे उस समय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 55 प्रतिशत था 60 साल बाद आज भी देश के अधिकांश ग्रामीण परिवारों में कृषि ही रोजगार का मुख्य साधन है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र जैसे दुग्ध उत्पादन मछली पालन एवं वनोपज भारतीय अर्थव्यवस्था में तिरपन प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करता है किंतु आज यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का केवल पंद्रह प्रतिशत हिस्सा प्रदान कर रहा है भारत देश में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कम हुआ है परंतु इन 60 वर्षों में लोगों को उद्योग या अन्य क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है अतः रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बनी हुई है यदि ऐसे लोग कृषि क्षेत्र को छोड़कर अन्य कार्य करें तब भी कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात कृषि उत्पादन में कमी नहीं आएगी अर्थशास्त्र की भाषा में अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग यदि रोजगार प्राप्त कर रहे हों तो उसे अदृश्य बेरोजगारी या प्राचन्य बेरोजगारी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक सदस्यों का होना प्राचन्य बेरोजगारी को दर्शाता है